वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज एनी ऐप क्रिएटिव। तो सिंपली आज फिर न्यू वीडियो के साथ में आपका दोस्त एनी ऐप वापस आ चुका हूँ। सो सिंपली आज हम लोग मिनिमल लोगो या फिर नॉर्मल लोगो कैसे बनाए इन फोटोशॉप। हाँ, फोटोशॉप में भी हम लोग लोगो बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ आइडिया है तो आप बना सकते हैं। बिगिनर के लिए भी है और प्रोफेशनल के लिए भी है। अभी के ज़माने में बहुत सारे यूट्यूबर्स है जो कि उन लोग को यूट्यूब कैसे यूट्यूब का लोगो डिजाइन कैसे करना है उन लोग को कुछ आइडिया नहीं रहता है। तो सिंपली मैं उन लोग के लिए वीडियो सजेस्ट में लेके आ रहा हूँ। सो सिंपली एक मेरा दोस्त है एमजे सुमन, उसका डांसिंग का चैनल है, एमजे सुमन डांस है उसका नेम। मैं उसका ही लोगो बनाने वाला हूँ और लोगो बना के दिखाने वाला हूँ मिनिमम लोगो, कि कुछ आपको आइडिया आए और कुछ आप भी क्रिएटिव लोगो बना सकते हैं। सो सिंपली मैं यहाँ पे मेरा दोस्त का चैनल दिखा देता हूँ, एम जे सुमन डांस लिखा हुआ है। सिंपली इसमें कुछ भी आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो क्रिएट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि चैनल में क्या चीज़ का कंटेंट रहता है। डांस आप एक देख लीजिए, डांस है और नेम है एम जे सुमन। एम जे मीन्स उन्होंने अपना स्टाइल से रखा हुआ है और सुमन सुमन इनका रियल नेम है। सो डांस हम लोग को ये तीन को कंबाइंड करके एक लोगो बनाना है जो कि दिखने में पता चले कि एम जे सुमन का ये चैनल है। सो सिंप के बाद मैं फोटोशॉप ओपन करता हूँ। सिंपली मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ, कंट्रोल एंड प्रेस करते हुए मैं डॉक्यूमेंट्स का साइज 1280x720 लेने वाला हूँ, जो कि थंबनेल्स का है। 12x12 भी ले सकते हैं, सोशल मीडिया साइज। सो सिंपली मैं ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस, मेरे को बहुत स्पेस चाहिए। तो सिंपली मैं इन लेयर्स को मैं थोड़ा बाहर लेने वाला हूँ, क्योंकि बाहर से मेरे को थोड़ा अच्छा इफेक्टिव दिख रहा है। और आप लोग को दो चीज़ ध्यान रखना है लोगो बनाने का टाइम पे, थोड़ा सा आपको स्केल्स का ज्यामेट्री पता होना चाहिए, सिंपल बेसिक। तो सिंपली मैं इसमें कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, सिंपली टूल्स को मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक डॉक्यूमेंट्स ले लिया है और सिंपली मैं, और आपके पास रूलर नहीं दिख रहा है तो आप कंट्रोल आर पे रेस करते हुए रूलर ले लीजिए। कंट्रोल आर पे रेस करने से यहाँ पे रूलर दिख लेगा। और एक शेप ले लीजिए, कोई भी एक शेप ले लीजिए। मैं रेक्टेंगल शेप ले रहा हूँ और जिसका साइज कम से कम इतना तक रहे। यहाँ पे देख सकते हैं आप हाइट और लेंथ यहाँ पे 80x2 है। और सिंपली मैं इसका कलर चूज करने वाला हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए, लेयर पे क्लिक करिए ट्रायंगल। उसके बाद आप कोई भी ले लीजिए, मैं यहाँ पे ब्लू लेने वाला हूँ, डार्क ब्लू। सो सिंपली और यहाँ पे रूलर का काम आएगा, प्रेस करते हुए स्केल्स को प्रिंटर में स्केलाइज कर लीजिए और उसके बाद स्केल का काम आएगा। थोड़ा सा मैं इसको बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा और स्केल का काम आएगा। अब यहाँ पे स्केल कंट्रोल आर प्रेस करने से शॉर्टकट है। सो सिंपली स्केल में यहाँ पे एक रूलर ऐड कर रहा हूँ और एक और यहाँ पे सेंटर पे मिडिल सेंटर और यहाँ पे, ठीक है, ये वर्टिकल रख लिया तो हम लोग हॉरिजॉन्टल रखना है, फिर से ऊपर से नीचे तक लेके आके रख रहा हूँ। सो सिंपली ये हो चुका है एक। और सिंपली मैं ये दो और रूलर यहाँ पे सेंटर पे यूज करने वाला हूँ, यहाँ देख लीजिए। और सिंपली यहाँ पे जाके सेंटर पे लेके आना है हम लोग को, इन दोनों का सेंटर यहाँ पे रहेगा, आई थिंक यहाँ पे रहेगा पॉइंट के सेंटर पे। सो सिंपली मैं इसको फिर से यहाँ पे लेके आके 2.12 सेंटराइज कर रहा हूँ। और हम लोग को सिंपली अभी मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। आपको कलर कोई सा भी चाहिए, कोई सा भी ट्राइंगल यूज कर लेना, प्रॉब्लम नहीं है। सो सिंपल मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी पे ओपन जाता हूँ, ओपन करता हूँ और प्रॉपर्टी में यहाँ पे कुछ आपको ऐसा बेसिक दिखाई देगा, चेंज यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इंटर करेंगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि इसका साइज क्या है। अभी 0x0 है, ऐसा ही सिंपली दिख रहा है, मतलब कॉप्स। सो सिंपली यहाँ पे बैंडिंग दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन मत चूज करना, वो वर्टिकल मतलब इनवर्ट मतलब इंटरसेक्शन में चला जाता है और इंटरसेक्शन आउटर सेक्शन मैथमेटिक में चला जाता है। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक मैं यहाँ पे 80.81 रख देता हूँ इसका
राइट साइड। सो सिंपली यहाँ पे भी मैं सेम करूंगा 80.81 और इंटर प्रेस कर देता हूँ। सिंपल देख लीजिए यहाँ पे बैंड हो चुका है, बैंड हो रहा है। अगर पेन टूल का यूज से भी कर सकते हैं लेकिन उससे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कर दिया। अगर कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप भी कलर चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कुछ भी, ग्रेडियंट्स एवरीथिंग। यहाँ पे ग्रेडियंट्स भी दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख लीजिए ग्रेडियंट्स डाल सकते हो। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो यहाँ पे नॉर्मल जाके कोई भी एक ही चूज कर सकते हो, नॉन भी कर सकते हो। सिंपली मैं यहाँ पे ब्लू ही लेने वाला हूँ, सिंपली ब्लू ही लेने वाला हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा फोकस रहता है। तो सिंपली हम लोग इसको बंद कर देते हैं और नेक्स्ट हम लोग को फिर से इसका कॉपी लेना है, एक कॉपी लेना है और कितना गैप में रखना है आप लोग को ये डिसाइड करना है। और सिंपली उसके बाद फिर से हम लोग और कॉपी ले लेते हैं, आर्ट प्रेस करते हुए आप ले सकते हो। यहाँ पे गैप भी आप लोग सिंपली आप देख लीजिए। यहाँ पे फोटोशॉप सीसी 2020 वर्जन में अभी बहुत सारा अपडेट्स आया है, तो इसके लिए आपको ये सब मेंटेन करने के लिए, गैप मेंटेन करने के लिए ऑलरेडी ऑप्शन दे देता है। तो सिंपली सेंटर वाला को हम लोग ट्रांजेक्शन चेंज करेंगे, सॉरी ट्रांसफॉर्म। इसमें जाके मैं वर्टिकल कर देता हूँ। वर्टिकल करने के बाद आप भी देख सकते हैं थोड़ा सा एस जैसा दिख रहा है, मतलब ऐसी है, दिख रहा है। जो नए बंदे लोग रहते हैं उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं रहता है, उन लोगों को पता नहीं चलता है कि क्या है बोल के। तो सिंपली मैं यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, अभी लेयर को मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट लेयर टू शिफ्ट प्रेस करते हुए सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसको मर्ज कर रहा हूँ। सिंपली मर्ज करने के बाद एक ही लेयर हो चुका है, मैं इसमें लिख देता हूँ एस लोगो। तो सिंपली एस लोगो होने के बाद अभी देख सकते हैं एस लोगो हो चुका है। अगर आपको इसमें कुछ भी ऐड करना है तो सिंपली मैं इसमें कुछ भी ऐड मत करिए बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐड करेंगे तो बहुत भद्दा सा दिख जाएगा। सो सिंपली इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि शैडो ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पे फिक्शन पे जाइए और यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ड्रॉप शैडो। ड्रॉप शैडो भी नॉर्मली हम लोग को थोड़ा सा ही दिखने के लिए, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे ऑलरेडी सेट डिफॉल्ट सेट आ रहा है। तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, डिफॉल्ट सेट में भी थोड़ा सा इसको साइड पे लेके आके आप लोग को दिखा देता हूँ। इसमें ब्लाइंडिंग ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं आप, इसमें ब्लाइंडिंग ऑप्शन नॉर्मली रख दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और कितना डिग्री तक मैं यहाँ पे 130 का रखने वाला हूँ क्योंकि मेरे को राइट साइड पे दिखना है सेटअप, तो सिंपली राइट पे लेके आ रहा हूँ। और ओपेसिटी आप देख सकते, ओपेसिटी आप कितना तक रखना चाहते हैं रख लीजिए, मैं 10 तक ही रखूँगा। और उसके बाद आप डिस्टेंस पे जाइए, कितना डिस्टेंस ये बाहर दिखाना है सेटअप आप लोग को। स्प्रिट को छोड़ दीजिए, ये कुछ करेंगे तो इसमें बहुत सारा वो ओपेसिटी जैसा ही वर्क होता है। तो सिंपली इसको नॉर्मली रहने दीजिए। और यहाँ पे साइज आप साइज देख सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। तो सिंपली इसमें मैं क्या बोलूँगा, थोड़ा सा ही इसमें भी ब्लर एरिया ब्लर जैसा ही काम करता है। तो सिंपली मैं इसमें 80 रख रहा हूँ। 8 रखने के बाद आप लोग को यहाँ पे नॉइस दिख रहा है, नॉइस अगर नॉइस कर दोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बहुत भद्दा हो रहा है। तो सिंपली अंडू जैसा दिख रहा है, तो सिंपली मैं इसको ओके करने वाला हूँ। अभी देख लीजिए मैं एक बार और फिर से आपको चैनल दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख लीजिए एमजे सुमन, एमजे का सुमन का डिजाइन हम लोगों ने कर लिया है। तो एमजे और डांस, तो डांस का डेफिनेशन हम लोग को देना है कुछ, या फिर कुछ आइकन यूज कर सकते हैं हम लोग। तो सिंपली यहाँ पे जाने वाला हूँ और मेरे पास एक पीएनजी फाइल है। सो सिंपली कंट्रोल ओ प्रेस करते हुए मैं ओपन कर रहा हूँ। पीएनजी फाइल डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके रखा हुआ है, एमजे पीएनजी लिखा हुआ है। तो सिंपली आप भी गूगल क्रोम में जाइए, वहाँ पे पीएनजी फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। नो कॉपीराइट पिक्चर भी मिलता है वहाँ पे। सो सिंपली मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर रहा हूँ और इसको फिर से मैं सिंपली छोटा कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए अभी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ, आपको कहाँ पे रखना है आप देख सकते हैं। तो सिंपली मैं इसको प्रेस कर देता हूँ और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। पेज अप पेज डाउन बटन से आप एडजस्ट कर लीजिए तो इजी रहेगा, माउस से ज़्यादा नहीं अच्छा नहीं होता है। तो सिंपली अभी यहाँ पे हम लोगों ने ड्रैग कर दिया, तो सिंपली मैं इसको कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कर देता हूँ। और अभी ये थोड़ा सा डेफिनेशन, मतलब कुछ चैनल का डेफिनेशन लोगों जैसा दिख रहा है। मैं इसमें और भी थोड़ा सा
क्रिएटिव थिंक डालने वाला हूँ, इसको मैं क्लिपिंग मार्क्स कर देने वाला हूँ। आर्ट प्रेस करते हुए आप इसमें शेप में कर दीजिए तो ये अंदर चला जाएगा, तभी लोगों का एरिया है उसका अंदर रहेगा, तो सिंपली थोड़ा सा क्रिएटिव दिख रहा है। अभी समझ में आ रहा है कि यस और डांस, मतलब माइकल जैक्सन गॉड ऑफ डांसर, आई मीन गॉड तो नहीं है डांसर का, सो सिंपली वैसे ही दिख रहा है। उसके बाद हम लोग के पास डेफिनेशन कंप्लीट हो चुका है सुमन डांस बोल के, अभी हम लोग को सिर्फ एनजे लिखना है। तो नॉर्मली मैं कोई भी टेक्स्ट लेने वाला हूँ, टी प्रेस करते हुए यहाँ पे जाने वाला हूँ। सिंपली मैं एमजे प्रेस कर रहा हूँ शिफ्ट को होल्ड करते हुए, और इसको मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, और इसका कलर मैं चेंज करने वाला हूँ, ब्लैक रखने वाला हूँ। यहाँ पे आई ड्रॉप टूल से आप ले सकते हो कलर। यहाँ पे जाइए, यहाँ से भी ले सकते हो आई ड्रॉप टूल से, ब्लैक ले रहा हूँ मैं। तो सिंपली मैचिंग के लिए मैं कलर मैचिंग के लिए सिंपली ब्लैक लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे टेक्स्ट पे जाएंगे कैरेक्टर पे, सो सिंपली यहाँ पे दिख रहा होगा कलर, उसमें जाइए और यहाँ पे कलर सैंपल ले लीजिए और प्रेस कर दीजिए, और थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा बहुत पतला दिख रहा है, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ा और कम कर देते हैं, और इसको सेंटराइज कर देते हैं, सेंटर पे रखेंगे, और ये हो चुका है एमजे का। अगर आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो यहाँ पे जाके टेक्सचर पे फिर से आप यहाँ पे दिख रहा होगा ऑप्शन दिखता है, सो सिंपली इसको फर्स्ट इंटर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इंटर प्रेस करने से आपको कैरेक्टर चूज करने में बहुत ईजी रहता है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा टेक्स्ट है। अगर आप लोगों को टेक्स्ट एक्स्ट्रा टेक्स्ट चाहिए और क्रिएटिव टेक्स्ट चाहिए तो आप ऑनलाइन पे जाके खरीद भी सकते हो, परचेज भी कर सकते हो, और डाप अकाउंट में जाके फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हो। तो सिंपली मैं एक नॉर्मल टेक्स्ट यूज कर रहा हूँ, सेरिफ फॉन्ट यूज करूँगा मैं, सेरिफ। सो सिंपली इसको रख दिया है यहाँ पे, मैं इसको सेंटराइज कर लूँगा, थोड़ा सा सेंटर पे रखूँगा नॉर्मली, एंड लास्ट। सो कंप्लीट तो हो चुका है। सो सिंपली अगर एक और बात बता देना चाहता हूँ, अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि मैं नया वीडियो डालता रहता हूँ तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सिंपली फिर से वीडियो में आते हैं हम लोग, और यहाँ पे देख लीजिए, और थोड़ा सा हम लोगों को छोटा भी कर सकते हैं, तो इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर रहा हूँ, और कंट्रोल प्रेस करते हुए आप सेलेक्ट कर सकते हो, और इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, फिक्शन में है तो अभी रूलर्स का कुछ काम नहीं है क्योंकि फर्स्ट में ही काम था, तो इसको रिमूव कर सकते हो ऐसे ही जैसे ही लेके आए थे। सिंपली लोगो तो रेडी हो चुका है, तो सिंपली मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, क्योंकि YouTube में डालने के लिए हम लोग को थोड़ा सा छोटा ही फाइल चाहिए रहता है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुका है, फिर भी सो सिंपली यहाँ पे देख लीजिए, अभी पिक्सल पे अभी हम लोग PDF या फिर जब एक फाइल्स में डालेंगे तो कम्प्लीटली अच्छा दिखेगा। और यहाँ पे मैं एक और शेप डालने वाला हूँ, क्योंकि सबको मैं मर्ज कर देने वाला हूँ, एक ही सिंगल लेयर बना देता हूँ जो कि हम लोग को अच्छा रहेगा। मर्ज फिर जाते हैं, मर्ज लेयर कर देते हैं, तो एक ही लेयर हो जाएगा MJ। यहाँ पे नाम भी सेट हो चुका है। तो और मैं एक सर्कल यूज करने वाला हूँ, सर्कल को यूज करने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा सर्कल ड्रॉ करने वाला हूँ, और इसमें मैं डिफरेंट काइंड ऑफ आपको कौन सा कलर डालने को मन करता है, यहाँ पे डिफॉल्ट ब्लैक है, सो मैं सिंपली एक नॉर्मली फोकस कलर ग्रीन यूज कर देता हूँ, सिंपली दिखाने के लिए। आप लोगों को सब पसंद रहता है वही यूज कर लीजिए। सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है मैंने, सो इसको नीचे लेयर पे लेके जाते हैं। तो सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे एक क्रिएटिव लेयर हो चुका है, जो कि आपका यूट्यूब के लिए अच्छा रहता है। तो सिंपली यहाँ पे हम लोगों ने अच्छा डेफिनेशन से बनाया है MJ सुमन डांस, सुमन का यस हो गया है, MJ का MJ ही रखा है, और डांस का डेफिनेशन पे हम लोगों ने MJ सुमन का PNG फाइल को लोगो ऐड कर दिया। आई होप अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, और क्या पसंद आया इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।